भर दे झोली मेरी या मोहम्मद, दर्स तेरे ना जाऊंगा खाली। फोन बजे, साजिद नाडियाड वाला। हमारा रिवॉर्ड, हमारा अवार्ड एक ही होता है, जब आपके काम को सराहा जाए। रोहित शेट्टी का तो मैं क्या बोलते हैं पर्सनल फैमिली राइटर हूँ, क्या बोलते हैं मैं वरुण और अक्षय का थोड़ा लाडला हो गया हूँ। वरुण धवन को आप वो लाइन नहीं दे सकते जो आप टाइगर को दे हुए। सो फॉर मी ऑल्सो इट्स अ वेरी रिफ्रेशिंग चेंज टू राइट फॉर वरुण एंड टाइगर। हाई, दिस इज फरहाद सामजी। प्लीज डू वॉच बॉलीवुड हंगामा, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। I have with me one of my favorite persons from the film industry, Farhad Samji. He is a very, very busy writer right now, and of course, director too of Housefull 4. Pleasure having you back, Farhad bhai. Pleasure is mine, sir. It's always a pleasure with Faridoon. It's been years with you. जी. जितने भी interviews हुए, उससे ज़्यादा हमारा जो relation है. बिल्कुल. Always wishing well for each other. So that's a. It's not an interview we are doing. It's like एक बहाना मिल गया हमको एक दूसरे से आपस में बात करने. फराद भाई, आई थिंक एक नेमत होती है कि आपके पास काम हो, और माशाल्लाह आपके पास बहुत इस वक्त चीज़ें आप कर रहे हैं साइमल्टेनियसली। तो अगर आप प्लीज़ बताना चाहें कि क्या क्या इस वक्त आप कर रहे हैं, बोथ इन राइटिंग एज वेल एज ऑफ कोर्स योर डायरेक्टिंग हाउसफुल फोर। या सो ऑब्वियसली एज यू सेड, जैसे लास्ट में आपने बोला कि हाउसफुल फोर इज़ द बिगेस्ट थिंग विच इज़ कम टू मी। अब ये इंटरव्यू को थोड़ा बोरिंग नहीं बनाता हूँ मैं, थोड़ा आपके सवाल को थोड़ा जवाब। मैंने रात को, कुछ नवंबर 11 की रात थी, टीवी ऑन था और गाना चल रहा था बजरंगी भाईजान का, भर दे झोली मेरी या मोहम्मद, दर्स तेरे ना जाऊंगा खाली। फोन बजा, साजिद नाडियाड वाला। अच्छा, और मैं नेक्स्ट डे गया और हाउसफुल 4 मिल गई। तो वो वाला जो रहता है ना कि समवेयर कनेक्शन, बिकॉज एक्चुअली क्या है ना सर, मैं लिख रहा था हाउसफुल 4, हाउसफुल 3 मैंने डायरेक्ट की, हाउसफुल 4 में डायलॉग्स और स्क्रीन प्ले लिख रहा था। सो समवेयर डाउन द लाइन क्रिएटिव वाइज आई वॉज टोटली इन्वॉल्व इन दिस। जब ये चीज़ आई, इरप्ट हुई, और उस चीज़ को संभालने के लिए जब ये माहौल बना और ये डिसीशन लिया गया कि लेट फराद टेक द स्टैंड, तो वो एक मुझे प्रेशर से ज़्यादा एक रिवॉर्ड मिला वैसा। क्योंकि मशक्कत तो सब करते सर, मेहनत सब करते हैं, बट जब आपकी मेहनत को जब रिवॉर्ड मिलते हैं, देखो सर, हम हैं कमर्शियल राइटर्स, हम कभी भी ये नहीं सोचते कि हमें इतनी अच्छी लाइन लिखी, अब मुझे ये अवार्ड मिलेगा, ये फिल्म फेयर मिलेगा, वो मिलेगा। क्योंकि हमारा रिवॉर्ड, हमारा अवार्ड एक ही होता है, जब आपके काम को सराहा जाए। और उन्होंने वो फेथ रखा, साजिद नाडियाड वाला, अक्षय कुमार, दे हैड दैट फेथ इन मी टू गिव सच अ बिग फ्रेंचाइज एंड सच अ बिग फिल्म टू मी। तो वो सर, वो हाउसफुल 4 का मिलना सबसे बड़ा नियामत है ऊपर वाले की, कि किस तरह से स्क्रीन प्ले ऊपर वाले का घुमा और आई हैव गॉट द फिल्म। बट कीपिंग दैट इन माइंड, प्रेशर डबल हो गया कि किस तरह से इस फिल्म को अभी जितनी बनी है और जितनी अभी बाकी है बनानी, उस तरह से कैसे ढाला जाए। एंड ऑफ द डे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अरे सुर क्या चेंज हो गया। सो कीपिंग दैट इन माइंड, वो बहुत बड़ा टास्क था। एंड नवंबर वी हैड अ 1 month शेड्यूल, द सेट वॉज स्टैंडिंग, एंड कैसे फिर वर्कआउट हुए अक्षय सर के साथ, दिन रात बैठ के पूरा वर्कआउट किया हर सीन्स। एंड सो दैट नवंबर डिसंबर वॉज अ बिग, यानी कि मैं अपनी फैमिली किसी के बारे में कुछ नहीं सोच सका, बिकॉज आई हैड टू डिप इन टू दैट। क्योंकि अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट करते हो एज अ डायरेक्शन, तो ऑब्वियसली आपका प्री होता है, जो 5-6 महीना आपको तैयारी मिलती है। सो टेक्निकली आई हैड टू लाइक स्ट्रेट अवे डाइव इन टू द पूल, कॉस्ट्यूम कौन पहन रहा है, आर्ट का क्या है, नरेशंस बाकी है, एंड ऑल दैट इन टू दैट। तो वो 2 महीने ऐसे लगे 2 दिन में ख़त्म हो गए, कुछ पता ही नहीं चला, इतना इन्वॉल्वमेंट। उसके बाद जैसे आपने पूछा कि राइटिंग प्रोजेक्ट्स, देखो वो तो मैं पहले से काफ़ी ऊपर वाले की रहमत है, दैट आई हैव बीन राइटिंग विद रोहित शेट्टी का तो मैं क्या बोलते हैं पर्सनल फैमिली राइटर हूँ। तो गोलमाल, सिंगम, सिम्बा, और सिम्बा के बाद आई थिंक सो और एप्रिसिएशन भी मिली। तो नाउ आई एम राइटिंग सूर्यवंशी विद रोहित शेट्टी, एंड आई थिंक सो वी आर स्टार्टिंग द शूट इन मे, और अभी वही डे नाइट चल रहा है, हमारी राइटिंग चल रही है, स्क्रीन प्ले लॉक हो गया है, डायलॉग्स पे काम चल रहा है। देन आई एम राइटिंग फॉर अक्षय कुमार अनदर फिल्म, इट्स अ कांचना रीमेक, द वर्किंग टाइटल इज लक्ष्मी फॉर नाउ, एंड द शूट इज अगेन गोइंग टू स्टार्ट विद इन द नेक्स्ट 10 डेज। वो स्क्रिप्ट मैंने लिखी, अक्षय के साथ रैपो अलग है, आई हैव रिटन 8 फिल्म्स विद हिम, किपिंग बॉस, एंटरटेनमेंट, हाउसफुल 3, या
फिर वरुण धवन के साथ मेरा रैपो जुड़वा 2 से बना था, जब डेविड जी के लिए मैंने चश्मे बदूर पहले लिखी थी तो डेविड जी ने बोला वाई यू नॉट राइट, और ऑब्वियसली साजिद नाडियाड वाला वॉज द कॉमन फैक्टर बिकॉज आई डायरेक्टेड हाउसफुल 3 ऑल्सो, तो देन आई बैक्ड दैट फिल्म ऑल्सो जुड़वा 2, और उससे मुझे वरुण के साथ एक हम लोग की ट्यूनिंग बहुत अच्छी जम गई. सो आफ्टर दैट आई एम नाउ राइटिंग द डायलॉग्स ऑफ स्ट्रीट डांसर, रेमो डिसूजा इज द डायरेक्टर, वरुण इज द हीरो इन दैट, श्रद्धा है, नोरा है, एंड आई एम ऑल्सो नाउ इन्वॉल्व्ड इन दिस फिल्म कॉल्ड कूली नंबर 1 विच इज डेविड धवन अगेन, अगेन वरुण धवन. तो इस तरह से क्या बोलते हैं, मैं वरुण और अक्षय का थोड़ा लाडला हो गया हूँ इन अ वे, तो उनकी फिल्में लिख रहा हूँ. अदर देन दैट मैंने वेब शोज डायरेक्ट की है अभी एक, जो आई थिंक सो विद इन द नेक्स्ट मंथ आ जाएगी, इट्स ऑल्सो अ कॉमेडी हॉरर वेब शो, सो वो भी चल रहा है. सो अल्लाह का शुक्र है. बागी 3 भी आई थिंक आप लिख रहे हैं. यस, बागी 3 एक्चुअली क्या हुआ था कि बागी 2 में आई वॉज इन्वॉल्व्ड एट द लेटर स्टेज, जहाँ पे थोड़ा बहुत मैंने सुपरवाइज किया था स्क्रिप्ट, आप बोल सकते हो कि मैंने थोड़ा बहुत अपने इनपुट्स दिए थे. तो समवेयर डाउन द लाइन विद अहमद देयर इज अ वेरी गुड रैपो, वी आर लाइक वेरी क्लोज फ्रेंड्स बडीज टाइप, एंड अगेन कॉमन फैक्टर साजिद नाडियाड वाला. तो जब बागी 3 की बात आई, सो वी डिसाइडेड के दे डिसाइडेड दैट वाई नॉट फरहाद, एंड तो अभी उसमें भी डे नाइट लगे हुए, एंड आई थिंक सो इट्स शेपिंग अप फॉर मी ऑल्सो, इट्स अ बिग चैलेंज बिकॉज कहीं ना कहीं हाँ यार फरहाद तड़के वाले लाइंस तो लिख लेता है, पंच लाइंस तो लिख लेता है, हंसा देता है, बट बागी इज मोर ऑफ एन इंटेंस काइंड ऑफ अ रिवेंज, अ काइंड ऑफ अ ड्रामा विथ लॉट्स ऑफ एक्शन, तो उसकी राइटिंग अलग होगी बिकॉज ऑब्वियसली वरुण धवन को आप वो लाइन नहीं दे सकते जो आप टाइगर को दे हुए. तो फॉर मी ऑल्सो इट्स अ न्यू थिंग, देखो मैंने सर अभी तक कुछ 14 फिल्में लिखी अजय देवगन के लिए, 8 फिल्में लिखी है अक्षय कुमार के लिए, सो फॉर मी ऑल्सो इट्स अ वेरी रिफ्रेशिंग चेंज टू राइट फॉर वरुण एंड टाइगर. तो उस हिसाब से बागी 3 भी चल रही है. हाय, दिस इज फरहाद सामजी, प्लीज डू वॉच बॉलीवुड हंगामा, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन.